Hello everyone, welcome to the online session of your school, the Wings Academy. In this video, we are going to study social studies from standard 1, and in this video, we are going to study chapter 3 of this book, that is family. In our previous video, we have studied we have completed chapter 1 and chapter 2. Now we are going to study family. So first of all, tell me what a family is. एक परिवार क्या होता है? Family का मतलब होता है परिवार, और परिवार से आपका मतलब आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, आपके cousins, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? Family. तो जैसे ही मैं family word बोलता हूँ, तो आपको आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन याद आते होंगे. So यही होता है family. आप जिस घर में रहते हैं, वहां के जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? फैमिली. वही है. अ फैमिली हैज अ फादर, अ मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर. यू, योर फादर एंड मदर एंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर अ फैमिली. एक फैमिली में एक पिता, एक माँ और उनके बच्चे साथ रहते हैं. आप, आपके पिता और आपकी माँ, आपके भाई और आपकी बहनें क्या कहलाते हैं? फैमिली कहलाते हैं. क्लियर? यू, योर फादर एंड मदर आर योर पेरेंट्स. पेरेंट्स किसे बोलते हैं? जैसे कि आपको स्कूल में कहा जाता होगा, कभी नोटिस मिलती होगी तो आपको इसे अपने पेरेंट्स को देना है, या फिर अपने डायरी पे अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने हैं. तो पेरेंट्स होते कौन है? तो आपके माँ और पिता. क्या होते हैं आपके? पेरेंट्स. वही होते हैं आपके पेरेंट्स. यू एंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर देयर चिल्ड्रन. और उन वो माता पिता किसके हैं? तो आपके और आपके भाई बहन. अगर आपके भाई बहन हैं तो उनके, तो आप और आपके भाई बहन जो हैं उनके बच्चे होंगे. इफ यू आर अ गर्ल, यू आर देयर डॉटर. इफ यू आर अ बॉय, यू आर देयर सन. अगर आप एक लड़की हैं तो आप उनकी बेटी होंगी, और अगर आप एक लड़के हैं तो आप उनके बेटे होंगे. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए, आपको समझने के लिए, क्लियरली समझने के लिए, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है एनिमेटेड, जो जिसमें एक फैमिली है, जिसमें आपको दिख रहे होंगे कि पेरेंट्स एंड उनके चिल्ड्रंस. तो सबसे पहले जो फादर हैं, जो वो बता रहे हैं अपने अपने बारे में, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ये कहते हैं आई एम राज जोशी, आई एम हेमा एंड रवि's फादर. तो ये कहते हैं कि मेरा नाम राज जोशी है और मैं हेमा और रवि का पिता हूँ. अब ये हेमा और रवि कौन है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले चलते हैं हम लोग उसकी इस लेडी के पास. तो ये लेडी कह रही है आई एम उमा जोशी, आई एम हेमा एंड रवि's मदर. तो हेमा और रवि, हमें पता चल गया कि ये दोनों बच्चे हेमा और रवि हैं. तो हेमा कौन होगा? लड़की. हेमा लड़की का नाम है, और ये जो लड़का है वो होगा रवि. तो हेमा कहती है आई एम हेमा जोशी, आई एम रवि's सिस्टर. मैं रवि की बहन हूँ. और रवि कहता है आई एम रवि जोशी, आई एम हेमा's ब्रदर. मैं हेमा का भाई हूँ. तो हेमा और रवि, इन दोनों के पिता कौन हुए? राज जोशी. और इन दोनों की माँ कौन हुई? उमा जोशी. और ये राज जोशी और उमा जोशी क्या हुए? पति पत्नी. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल डिटेलिंग दी गई है. अ स्मॉल फैमिली, देयर फैमिली नेम इज जोशी. तो आपका फैमिली नेम क्या होता है? आपका टाइटल ही क्या होता है? आपका सरनेम जो होता है वही आपका फैमिली नेम होता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ बाप और उनके दो बच्चे, ये कहलाता है स्मॉल फैमिली. आगे हायर क्लास में आप पढ़ेंगे तो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली आपको और भी डिटेल में पढ़ने को मिलेगी. अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे. रवि एंड हिज सिस्टर हेमा लिव विद देयर पेरेंट्स. देयर फैमिली इज स्मॉल. देयर फ्रेंड टीना लिव्स इन अ लार्जर फैमिली.
ये जो हेमा और रवि है ये तो स्मॉल फैमिली में हमने देख लिया कि ये स्मॉल फैमिली में रहते हैं, लेकिन इनकी जो दोस्त है टीना वो लार्जर फैमिली में रहती है। तो ये लार्जर फैमिली क्या होता है, यानी अभी जो बात की ज्वाइंट फैमिली की, वही लार्जर फैमिली होता है, आपको डिटेल में हायर क्लासेस में ज्वाइंट फैमिली पढ़ने को मिलेगा। तो ये लार्जर फैमिली होता है क्या, तो पढ़ते हैं, शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट एंड कजन्स। टीनाज ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल एंड आंट एंड कजन्स आर हर रिलेटिव्स। तो एक लार्जर फैमिली वो होती है जहां पे आपके पेरेंट्स और आप तो हो ही, इसके अलावा आपके दादा दादी, अंकल आंटी और उनके बच्चे, मींस योर कजन्स, आपके कजन्स भी रहते हो, ऐसी फैमिली कहलाती है लार्जर फैमिली, जहां पे सब लोग मिलके रहते हैं। और यहाँ पे जिन्हें हम लोग कहते हैं ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इन्हें हम लोग अंकल आंट, इन्हें हम लोग रिलेटिव्स कह सकते हैं। जब यहाँ पे ये रिलेटिव्स रहते हैं, वैसी फैमिली जहाँ पे ये लोग एक साथ रहते हैं, वैसी फैमिली कहलाती है लार्जर फैमिली, जो कि आगे चल के आप पढ़ेंगे ज्वाइंट फैमिली। तो हमें अभी इतना ही पढ़ना है, आपने ये समझा इस वीडियो में कि फैमिली असल में होता क्या है, फैमिली क्या होता है, फैमिली में पेरेंट्स कौन होते हैं, डॉटर कौन होती है, सन कौन होता है, और लार्जर फैमिली, स्मॉल फैमिली आपने देखा, रिलेटिव्स। तो एक बार फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो रिविजन के लिए मैं आपको बताता हूँ पहले पेरेंट्स कौन होते हैं। तो पेरेंट्स आप हमेशा याद रखेंगे कि पेरेंट्स हमेशा आपके माँ और पिताजी ही होंगे, आपके गार्डियंस अलग हो सकते हैं, जो आपको आप गार्डियंस आपका बड़ा भाई, आपके अंकल, आपके आंट, ये लोग हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमेशा मदर एंड फादर ही होंगे। उसके बाद अगर आप पेरेंट्स, अगर अब ये ग्रैंड फादर कौन होते हैं, तो आपके पापा के जो पापा होंगे वो होंगे आपके ग्रैंड फादर, आपके दादाजी, और आपके पापा की जो माँ होंगी वो होंगी आपकी दादी, मीन्स ग्रैंड मदर। आपके पापा के भाई मीन्स अंकल, और उनकी उनकी वाइफ क्या होंगी, आपकी आंट, और उनके बच्चे जो होंगे वो आपके कजन्स होंगे, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई, सबको हम लोग कजन्स ही बोलते हैं। सो हियर आर सम की टर्म्स गिवन, न्यू वर्ड्स लाइक ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, कजन, रिलेटिव एंड फैमिली नेम। सो आपके लिए मैं एक टास्क देता हूँ, आप अपनी फैमिली नेम, मैंने अभी बताया कि फैमिली नेम क्या होता है, आपका जो सरनेम होगा, जैसे कि आपका सरनेम होगा पांडे, तो आपका फैमिली नेम पांडे फैमिली। अगर आपका फैमिली नेम होगा, जैसे कि आप हमने देखा था सरनेम क्या था यहाँ पे, जोशी, तो ये जोशी फैमिली। अगर मिश्रा है तो मिश्रा फैमिली, अगर सिंह है तो सिंह फैमिली। इसी तरह से जो भी आपका सरनेम होगा, अगर अरोरा है तो अरोरा फैमिली, इसी तरह से जो भी फैमिली नेम आपका होगा वो आपको लिखना होगा। और आपको ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने होंगे, एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू भेज दिए जाएंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन जैसे कि मैच द फॉलोइंग है, तो इसे आपको खुद से मैच करना होगा। जैसे कि फादर्स ब्रदर, मैंने अभी बताया कि पापा के जो आपके भाई होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो अंकल कहते हैं, तो यहां से आपको मैच करा देना है अंकल, सिंपल। इसी तरह से आपको सारे मैच करा देना, जैसे पेरेंट्स डॉटर, पेरेंट्स के जो भी जो बेटी होगी उन्हें, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारी क्या होगी, सिस्टर, क्लियर। उसी तरह से ग्रैंड पेरेंट्स सन, जो हमारे दादा दादी के बेटे होंगे वो कहलाएंगे हमारे फादर। इस तरह से जो तीन बचे हुए हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये ट्रू फॉल्स भी खुद से ही सॉल्व करना होगा, ट्रू फॉल्स में आपको ट्रू के लिए टी लिखना है एंड फॉल्स के लिए एफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, योर मदर इज वन ऑफ योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है पहले भी कि पेरेंट्स माता पिता होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टी लिख सकते हैं, ट्रू है। योर फादर्स फादर इज योर अंकल, आपके पापा के पापा आपके अंकल लगेंगे, तो ये फॉल्स है। इस तरह से आपको पढ़ना है, और ट्रू है या फॉल्स ये डिसाइड करके आपको लिखना है।
बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू भेज दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगला चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।